काली मिर्च से चूहों को बिना मारे भगाने का ऐसा असरदार तरीका लेके आई हूँ आपके लिए, जिसे आप देखेंगे तो करने के लिए दौड़ेंगे और चूहे बिना मारे आपके घर से बाहर चले जाएंगे। फेवी स्टिक से बारीक सुई में धागा एक ही बार में डाल पाएंगे, चाहे आपकी नज़र कितनी भी कमज़ोर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन विद आयजा चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत यूज़फुल से टिप्स शेयर करने वाली हूँ। दो लिपस्टिक से एक यूनिक कलर बना के तैयार करेंगे। बच्चों के हाथों से आप परमानेंट मार्कर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वो भी बहुत आसानी से, ना रगड़ना पड़ेगा आपको, ना बच्चों के हाथ लाल होंगे। सिर्फ एक ही बार में आप इसे अप्लाई करें और जो है बच्चों के हाथ से इसे आप रिमूव कर पाएंगे एक ही बार में। तो यहाँ देख लीजिए, इसे मैंने लगा लिया और हटा रही हूँ तो बिल्कुल नहीं हट रहा है। अब तो क्या करना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिटॉल लिक्विड लेना है। ये हर किसी के घर में होता है, बस इसे लगा के रब करें। तो जब भी बच्चों की टीचर उनके स्माइली या स्टार बनाए ना, अब तो आपको रिमूव करना हो तो रगड़ने की झंझट छोड़िए और इस तरह से डिटॉल को यूज़ कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अभी जो है काफ़ी त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हर जो है आपको फंक्शन के लिए नई लिपस्टिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो लिपस्टिक अपने जो है मेकअप बॉक्स से चूज़ कर लीजिए, एक लाइट एक डार्क। तो ये मैंने लाइट कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर ली। अब मैंने यहाँ पर ले ली है चेरी रेड कलर की लिपस्टिक है ये, और इसके ऊपर इसे लगा देंगे। बस इस तरह से आपने लगा देना और देखिए बहुत है ना खूबसूरत कलर बनके तैयार हो जाएगा। और आप देखिए, आपने कोई भी नई लिपस्टिक नहीं ली, घर में रखी लिपस्टिक से ये नया कलर बना लिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो हर जो है मौके के लिए नई लिपस्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का हैक यूज़ कीजिए, बिल्कुल स्मार्ट हैक है और पैसे बचाने वाला हैक है, मनी सेविंग का हैक है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो किसी की ज़िंदगी का बदलने का मौका मत गवाइए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, इस तरह के बॉल पेन होते हैं ना, उसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसे आप बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कुछ आपको रब नहीं करना, कुछ भी नहीं अप्लाई करना, बस कोई सा भी ऑयल लेना है आपने और जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ उस तरह से कर देंगे ना, तो ये जो बॉल पेन का इंक है ना, बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक बूंद ऑयल ले लिया है और बस इसे इस तरह से ना हल्के हाथों से मैं रब कर रही हूँ, और रब करने के बाद किसी भी टिश्यू या किसी भी कपड़े से क्लीन कर लेंगे और देखेंगे कि ये सारी इंक है ना बिल्कुल मैजिकली रिमूव हो जाएगी। ये बहुत कमाल का हैक है और बच्चे वाले घर में बहुत काम आता है। तो अभी ये रात के 12:30 बज रहे हैं जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, सब सो चुके हैं, लेकिन गली में जो है कुछ शोर हो रहा है डॉग वगैरह का, तो उसे इग्नोर करिए होगा अगर आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मुझे रात का ही टाइम मिलता है अपने वीडियो का काम करने के लिए, बनाने का भी और एडिटिंग करने का भी, इसलिए मैं रात को कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं यूज़फुल सी ट्रिक्स की तरफ। तो देखिए, काली मिर्च की हेल्प से ना आप चूहों को ना बिना मारे अपने घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं। कैसे, तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर ले लिया हमने एक बर्तन जो हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जब हम घर की कुछ चीज़ें मिलाएंगे ना, तो उसमें जो है रिएक्शन होगा, तो वो बर्तन आप दोबारा यूज़ नहीं करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ले लिया हमने 2 टेबल स्पून जो है गेहूँ का आटा, और जो है 1 टेबल स्पून घी, और उसके साथ हमने ले लिए थोड़ी सी चीनी। तो देखिए कितना टेस्टी सा ना ये डो में बना के तैयार कर रही हूँ, जो कि चूहों का अट्रैक्ट करेगा। अब इसे हम जिस तरह से आटा जो रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं, उसी तरह से इसे जो है डो को तैयार कर लेना है। बस थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे, इसे गूंथ लेंगे, और जब आप इस तरीके को यूज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि चूहे है ना बिना मारे आपके घर से हमेशा के लिए वाकई में चले गए हैं। ये आजमाया हुआ तरीका है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं कराया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, घर में चूहों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और चूहे है ना सामान भी बहुत नुकसान करते हैं, कभी कपड़े काट देते, कभी बच्चों की बुक्स काट देते हैं, यहाँ तक कि खाने पीने का कोई सामान आप अपने किचन में रख नहीं सकते, तो बस यही तरीका बचा, इसे ज़रूर अपनाइएगा। और अब मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी ना इस तरह से जो है लोई ले ली है, और जो रोटी की शेप में छोटी छोटी सी मैं रोटियाँ इस तरह से बना लूँगी, और फिर मैं सारी बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी तरीका है और लेकिन काम का बहुत है। तो देखिए, सारी इस तरह से मैंने कर ली है, और इसको करने के बाद हमें क्या करना है, फिटकरी ले लेनी है। LMG, हाँ, सबके घर में होती है, और इसका टेस्ट ऐसा होता है ना कि चूहों को ना पसंद आने वाला, एकदम कड़वा सा, खट्टा सा, अजीब सा होता है, जिसे खाते ही पूरा मुँह अजीब सा हो जाता है। तो इसका मैंने बना लिया है पाउडर, जो कि 1/2 टेबल स्पून के करीब होगा,
और अब साथ में मैं लेने वाली हूँ इसके जो है काली मिर्च। तो काली मिर्च को भी मैंने अच्छे से ना पीस लिया है, दरदरा भी कूट सकते हैं, पाउडर है तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसी तरह से आपने करना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही काली मिर्च भी ले ली है। और अपने घर की साफ़ सफ़ाई का ना आपने अच्छे से ध्यान रखना, जिस कोने में हम ज़्यादा सफाइयाँ नहीं करते ना वहाँ वो अपना डेरा डाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यहाँ पे तो ये लोग सफाई करेंगे नहीं तो हम यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे ले लिया मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर, नहीं हाफ़ टेबल स्पून नहीं उससे थोड़ा कम है क्योंकि इसमें मैंने काली मिर्च यूज़ करी तो मैं इसलिए रेड चिली पाउडर कम यूज़ करूँगी। बस ये तीनों चीज़ है ना आपस में जब मिलेंगे ना तो ऐसा ना रिएक्शन क्रिएट करेंगे जिससे ना चूहे ना इसे खा के ना फ़ौरन आपके घर से हमेशा के लिए चले जाने वाले हैं और दोबारा कभी आपके घर नहीं आएंगे। और भी देखिए बिना मारे चूहे चले जाएंगे तो आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी कि आपके घर में चूहा मर गया और आपको अब सफाइयाँ करनी पड़ेगी, घंटों आपको सफाइयों में टाइम देना पड़ेगा। तो बस चूहों से परेशान है तो ये तरीका आपके लिए ही है और आजमाया हुआ तरीका है। और अब देखिए इस तरह से जिस तरह से हम जो है स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं ना बस उसी तरह से ना इसकी स्टफिंग कर देनी, थोड़ी थोड़ी सी जिस तरह से मैं लेती जा रही हूँ ना इसका पाउडर उसी तरह से आपने लेना है और इसे भरते जाना है, इसे गोल करते जाना है। इसी के साथ मैं आपसे कर देती हूँ हम्बल से रिक्वेस्ट कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जो मेरे बहन भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर ले ताकि मैं जो आपके लिए यूज़फुल सी वीडियो बनाती हूँ लाती हूँ वो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे आगे इंशाल्लाह देखने के लिए। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। तो देखिए सारे हमारे जो है चूहों के लिए पराठे मान लीजिए बनके तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल टेस्टी। देखिए ऊपर से तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसका डो इतना तैयार करा है हमने, घी है, चीनी है, जो है आटा है और पानी है। तो और अंदर तो इसका ऐसा है जिसे इसे खाते ही जैसे अंदर का खाएगा ऐसा रिएक्शन क्रिएट होगा कि उसके पेट में पूरी हलचल हो जाएगी। और देखिए सारी बॉल्स तैयार है, चलिए इसे रख लेते हैं घर की हर वैसी जगह जहाँ चूहे अक्सर आते हैं। तो देखिए गैस स्टोव के ऊपर तो हमें सही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे चूहे हैं ना डेफिनेटली आते ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको खाने पीने का कुछ ना कुछ मिलता रहता है तो जहाँ इन्हें मिलेगा तो वहाँ तो आएंगे ही। तो एक ऊपर और एक नीचे बॉल रख ली है हमने। और अब घर के और ऐसे कोने हैं, देखिए जब घर में चूहे होते हैं ना तो आपको पता होता है कि घर में वो ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से हमारे घर में चूहे थे तो यहाँ पे ज़रूर जाते थे तो इसलिए यहाँ पे भी रख लिया। और अब ना जहाँ भी जैसे कोई शोकेस है, फ्रिज के नीचे, बेड के नीचे, हर तरफ जहाँ घुसने की छुपने की जगह होती है, कोने होते हैं ना, चूहे वहाँ जा जा के छुप जाते हैं जो हमारी पहुँच से बाहर हो जाते हैं उन्हें निकालना देखना। तो इसलिए वहाँ पे हम तो नहीं जा सकते लेकिन ये बॉल्स जा सकती है, तो बस वहाँ वहाँ इन बॉल्स को रख देना है ताकि इसे चूहे खाएँ और फ़ौरन आपके घर से चले जाए। तो यहाँ पे ये रख दिया, मेन डोर के पास अलमीरा भी है उधर और वो कोना पड़ जाता है तो वहाँ छुपने की जगह है चूहों की, ये बेड के नीचे। तो देखिए हर तरफ जो है ये ट्रैप बिछा दिया गया है जिसे चूहे है ना खा के जो है चले जाएंगे, वो भी बिना मारे। ना पिंजरे की ज़रूरत है आपको, ना ही कोई जहरीली दवा की, घर की बनी नेचुरल दवा चूहों को भगाने के लिए काफ़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जो कि यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। तो देखिए आज मैं आपको फेवर स्टिक से बारीक सुई में धागा डाल के दिखाऊंगी, वो भी एक ही बार में। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है आई नो। तो अब देखिए फेवर स्टिक को आपको ना धागे के एक सिरे की तरफ लगाना है जहाँ से आपने धागा सुई में डालना है। बस इसे हमने लगा लिया है और अब इसे थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे ताकि कड़क हो जाए थोड़ा सा। तो बस सुई लेंगे और अब देखिए एक बार में डालूंगी और धागा जो है आर पार। तो देखिए कितनी कमाल की और बिल्कुल सेकंडों में ये ट्रिक काम करती है। तो जितनी भी नज़र कमज़ोर है, कितनी भी उम्र है, बस सुई में धागा डाले, अपना काम खुद करे, किसी से आपको गुजारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।